नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 110वां आज एपिसोड है, 110th एपिसोड, और बहुत ही फेवरेट टॉपिक मेरा निकल के आया है, तो कोशिश करूंगा ये पढ़ने के बाद कुछ व्याख्या भी कर सकूं कि 18 जुलाई 1962 को नैनीताल में किया गया प्रवचन है। स्वामी लीला शाह जी कहते हैं, क्रियाएं कौन करता है, नाम रूप सब मिथ्या है, सिर्फ है पना ही है। वह किसका है? वह है पना एक तुम्हारा ही सत्य स्वरूप है। सिर्फ तुम ही कायम दायम अखंड परिपूर्ण शुद्ध पवित्र सच्चित आनंद स्वरूप हो। सिर्फ उसके ज्ञान, उसके ध्यान, उसके आनंद स्वरूप में ही सदैव स्थित रहो, फिर तो सदैव आनंद ही आनंद प्रतीत होगा। अब यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, कहोगे कि मेरा नाम अमुक है। चाहे गीता सर पर रखकर कोई पूछे तो भी कहोगे कि मैं अमुक हूं। वैसे ही आत्मा के अभ्यास द्वारा जब स्वयं को दृढ़ रूप से सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा समझकर कहोगे कि मैं परमात्मा स्वरूप सच्चित आनंद रूप हूं तथा वही मेरी जिगरी जान है, तब तुम्हारा मनुष्य जन्म सफल होगा। जैसे आत्मा चिदाकाश रूप है, वैसे आत्मा चेतन सर्वव्यापक भी है। सुशोभित या गहरी नींद में कोई इच्छाएं, पदार्थ, दुख सुख आदि हैं क्या? नहीं, वहां तो सिर्फ शांति आनंद ही आनंद है। आनंद के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी दुख सुख आदि कोई भी कल्पना नहीं है। सिर्फ भ्रमवश मनुष्य स्वयं को सुखी दुखी अनुभव कर रहा है। वह स्वयं तो सच्चिदानंद स्वरूप सदैव सभी अवस्थाओं में एक समान है, उसमें रति मात्र भी कलंक नहीं है। तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो। तुम कह रहे हो कि मैं लिख रहा हूं, परंतु तुम नहीं लिख रहे हो, हाथ लिख रहे हैं। फिर कहते हो कि मैं सुनता हूं, चलता हूं, उठता हूं, काम कर रहा हूं, सोता हूं आदि आदि। परंतु कान सुनते हैं, टांगे चलती हैं, शरीर उठता है, हाथ काम कर रहे हैं, परंतु तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये सारी क्रियाएं शरीर व इंद्रिया कर रही हैं, ना कि तुम। तुम तो उन सभी इंद्रियों व शरीर को जानने वाले, उनसे अलग साक्षी स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप हो। आत्मा में किसी भी प्रकार की क्रियाएं आदि नहीं है। आत्मा अकर्ता व अभोक्ता है। आत्मा के का जन्म ही नहीं है तो शरीर व इंद्रिय आदि तथा उनका कर्ता भोक्ता आदि धर्म फिर कहां से आए? मैं ना तो कुछ करता हूं और ना चलता हूं, ना खाता हूं, ना सुनता हूं, ना पढ़ता हूं, ना दुखी एवं ना सुखी होता हूं। मुझ में मोह अहंकार व लोभ भी नहीं है। मैं असंग स्वतंत्र शांत स्वरूप परम परमात्मा भगवंत स्वरूप हूं। अशांति दुख सुख आदि मेरे धर्म नहीं है, अर्थात मुझ में ये है ही नहीं। ध्यान का अर्थ है आत्मा का चिंतन करना, उसकी याद सदैव हर हाल में, हर चाल में, हर समय कायम रखना। गुण ही गुणों में समायोजित होते हैं। मैं तो सभी गुणों से न्यारा असंग हूं। जैसे जिह्वा का गुण है स्वाद लेना, कानों का गुण है सुनना अर्थात शब्द, चमड़ी का गुण है स्पर्श अर्थात छूना, आंखों का गुण है देखना अर्थात रूप देखना, नाक का गुण है खुशबू व दुर्गंध को महसूस करना। कर्म इंद्रिया तथा इंद्रियां तथा ज्ञान इंद्रिया ही हैं, जो कि अपने भिन्न भिन्न कार्यों में लीन रहती है। मैं उन सभी गुणों को जानता हूं। मैं ज्ञान स्वरूप उन सभी से न्यारा या अलग असंग हूं। मेरा इन गुणों कर्म व धर्म से कोई नाता नहीं है। मैं तो संसार रूपी शरीर माया नाम व रूप सबको जानता हूं। यह संसार तथा शरीर पैदा ही नहीं हुआ है। जब शरीर पैदा ही नहीं हुआ है तो उसका देखने व होने का भाव कहाँ है? सिर्फ मैं ही एक चेतन आकाश रूप सच्चित आनंद शुद्ध पवित्र अखंड अजर अमर अंग रहित पूर्ण व्यापक निर्विकार असंग न्यारा नाम रूप से अलग स्वयं प्रकाश स्वरूप सुख का सागर अमृत की धारा प्रेम आनंद परम शांत स्वरूप हूं। सब में हैपन ज्ञान जानना पन मेरा ही है। सब में आनंद खुशी व प्रेम का हैपन मेरा ही है। सब कुछ सिर्फ मैं ही हुआ। मुझ में संसार रति मात्र भी नहीं है। सब मैं ही हूं। सब मैं हैपन ज्ञान जानना व आनंद एक है। वही आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं। सिर्फ एक सच्चिदानंद ही है जो कि नाम रूप के वस्त्र पहनकर बैठा है। जैसे शरीर भी वस्त्रों से अलग है, वैसे नाम रूप वाले वस्त्र पहनते हुए भी आत्मा उनसे भिन्न या न्यारा है। हीरे को बचाने की कोशिश करें, अब बहुत लीलाएं हो चुकी, मन को समझाकर नियंत्रण करो। धन्यवाद। बहुत प्यारा टॉपिक और प्रवचन है, क्रियाएं कौन करता है। तो स्वामी जी ने यहाँ पर उल्लेख किया है कि हम जब हाथ उठा करके लिखना चालू करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे हाथ लिख रहे हैं। मैं पलके झपका रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं पलके झपका रहा हूँ, पर ये हाथ और पलके मैं नहीं हूँ।
तो मैं क्या हूं इस बात पर जोर दिया गया है। यानी कि हम बहुधा बहुधा हद तक, यानी कि इन मैक्सिमम कैपेसिटी, वी थिंक आर सेल्व्स एज आर सेंसेस और एज आर ऑर्गन्स, बट वी आर बियॉन्ड इट। स्वामी जी यहां पर यह समझाना चाहते हैं कि हम अपने जो कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां, उनको ही स्वयं समझ लेते हैं, पर उनसे भी अत्यधिक व्यापक हम हैं। हम उनसे जुड़े भी हैं और हम उनसे पृथक भी हैं। जुड़ते हैं जैसे ही हमारे मन की तरंगे, हमारे मस्तिष्क की तरंगे जुड़ती हैं, तो हम कुछ कार्य कर पाते हैं। यदि हम अपने मन को किसी भी कार्य से विमुख करें, मस्तिष्क को केवल प्रभु के स्मरण में लगाएं, तो बैठे बैठे ही हमारी समाधि भी लग सकती है। पर समाधि शरीर के द्वारा नहीं लग रही है, ये आत्म तत्व के द्वारा लग रही है, और यही आत्म तत्व आप है। सुनने में तो ये बातें बहुत कपोल कल्पित लगती हैं। दीज टॉक्स लुक लाइक वेरी फिक्टिशियस और काइंड ऑफ अ फोकलोर, बट एक्चुअली दे आर नॉट। द मोर यू ट्राई टू गेट डीपर इनसाइड यू, द मोर नॉलेज यू विल गेन। दे आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेडिटेशन एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव ट्राइड एंड मेड देयर ओन फॉर्मूलाज। फॉर इंस्टेंस लाइक सदगुरु गिव्स ईशा क्रिया फॉर्मूला ऑफ योर सो अहम नाद, इन विच यू आर जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन योर ब्रेथ्स when you inhale and exhale. Same way, a lot of other people, other practitioners are trying to do these kriyas. But for what? The end and inclusion and the final resultant of all these activities stand to only one thing, who you are actually. So it will be really good if we try and take out some time each day for the betterment of ourselves, so that we can spend that much time for only ourselves. It's really pity that most of the people have no time for themselves. They have time for their family, they have time for their friends, families, and the kind of hobbies they have, but they don't have time for themselves. I would really request you, if you can take out just little like 5 or 10 minutes each day when you are just conversing with yourself, who you are actually. And believe me, if you make it a habit, after a year you will be at some other height. Not only you will be progressing in your life in like professional front or in personal, but you will become a better human, and you will be able to serve others as well, because serving humanity is the biggest responsibility for anyone. So I would like to stop this video in here, and I'm very sure that you must have benefited from the satsang of Swami Leela Shah Maharaj. Soon I'll also be starting his pravachan, which is being translated in English language. But since I'm doing it as a hobby, so I want to progress slowly, so that it's not just me saying the words, but me also feeling the words and giving you the insights from my real heart. Thank you all for listening to me. Jai Shri Ram.